हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। फाइनली हम अपना एनाटॉमी का फर्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हम आज कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम हार्ट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी एनाटॉमी के क्वेश्चंस के अंदर हमको लिखना क्या क्या होता है। देखिए, अगर आपके एनाटॉमी का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपको कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो करेंगे डायग्राम का। एनाटॉमी के अंदर डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप सबसे पहले एक पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर हार्ट का एक कम्प्लीट डायग्राम ड्रॉ किया है। फिर जो आपका काम है वो है उस ऑर्गन के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना, और इंट्रोडक्शन के बाद उस ऑर्गन की पोजीशन के बारे में लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पे हमें पोजीशंस के बारे में लिखना होता है। चलिए, पोजीशन के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम। फिर हम यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई के बारे में, मतलब कौन सी आर्टरी उस ऑर्गन को सप्लाई करती है। फिर यहाँ पे हम वीनस ड्रेनेज के बारे में, मतलब कि कौन सी वेन है जो ड्रेनेज करके आती है। और फिर हम नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं, और भी अगर अपन को कोई चीज़ें दिखती है तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं जो भी इस डायग्राम के अंदर है। जैसे कि आज जो आप ये टॉपिक है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक समझ में भी आ जाएगा कि एनाटॉमी के क्वेश्चंस के अंदर कैसे आंसर्स लिखना होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो वीडियोज़ हैं वो और ज़्यादा रेट से आएँ, है ना, मतलब कि डेली आएँ, ज़्यादा आएँ वीडियोज़। देखो बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन के अंदर हम सारा सिलेबस भी हम कवर नहीं करवा सकते। हमारी क्लासेस भी लगती है, हमारी ड्यूटी भी लगती है, इसके बावजूद भी हम आपको देखे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएँ ताकि आपकी स्टडी बेस्ट हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी ऑर्गन की पोजीशन के बारे में। पोजीशन के बारे में मैं बता दूं, या इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं, हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या? एक होलो, होलो मींस जो खोखला होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन्स जो मसल्स का बना होता है, ये लोकेटेड होता है थोरेक्स के अंदर। इट इज़ लोकेटेड इन थोरेक्स बिटवीन टू लंग्स, जो अपने दोनों लंग्स हैं, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ थोरेक्स के अंदर होता है। आप सभी को पता होगा यहाँ कार्डियक नोच होता है, मतलब कि जो दूसरा लंग है, लेफ्ट वाला लंग है, उसके अंदर एक गड्ढा होता है, उसके अंदर से हार्ट फिक्स होता है। दोनों यानी कि थोरेक्स के, थोरेक्स मीन्स ये जो बीच वाला पोर्सन है ना, यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, थोरेक्स बिटवीन टू लंग्स, ठीक है। चलिए, ये पोस्टीरियर टू स्टर्नम होता है, जो अपनी स्टर्नम होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट, मतलब कि पीछे की ओर होता है। एंटीरियर मींस होता है आगे की ओर, पोस्टीरियर मींस होता है पीछे की ओर। तो अपनी जैसे स्टर्नम है तो स्टर्नम के पोस्टीरियर साइड में होता है। चलिए, ये होता है सुपीरियर टू द डायफ्राम, जो अपना डायफ्राम है, यहाँ पर डायफ्राम है, उसके सुपीरियर होता है, मतलब कि उसके ऊपर होता है। चलिए, तो ये हो गया ऑल अबाउट पोजिशंस ऑफ हार्ट, मतलब कि हार्ट की पोजिशन के बारे में। फिर जो दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो होता है हार्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। आप शुरू में भी लिख सकते हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट एक ब्लड पंप करने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। ये चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हो बच्चों, इतना कुछ मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता, बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पर सारी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख रहा हूँ। चलिए, फिर हम जो इंट्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन है या फिर हार्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो हार्ट होता है उसके अंदर थ्री तो लेयर्स प्रेजेंट होती है, थ्री लेयर्स मतलब कि तीन इसकी आउटर कवरिंग होती है, तीन बाहर इसको कवर करने वाली सरफेसेस होती हैं, लेयर्स होती है। इन लेयर्स का नाम होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। चलिए, तो आप लेयर्स के बारे में भी लिख सकते हो बच्चों, आप ऐसा लिख सकते हो कि जो पेरिकार्डियम लेयर्स है ये सबसे बाहर वाली लेयर्स होती है, एंड जो मायोकार्डियम लेयर्स होती है वो सबसे बीच वाली, और एंडोकार्डियम लेयर सबसे अंदर वाली। नाम से ही पता चल रहा है, तो हार्ट के अंदर थ्री लेयर्स होती हैं। फिर हम बात करते हैं फोर चैम्बर्स, हार्ट के अंदर फोर चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। चलिए, अब डायग्राम पे आओ, डायग्राम को समझो।
आपको यहाँ पे चार चैम्बर दिख रहे होंगे, ये है राइट एट्रियम, ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट एट्रियम और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे चारों नाम मैंने लिख रखे हैं, आर ए, आर वी, एल ए, एल वी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सुपीरियर वाना केवा, यहाँ इन्फीरियर वाना केवा, है ना, एस वी सी, आई वी सी। चलिए यहाँ पे होती है आयोटा, ये आयोटा देखिए यहाँ से निकली है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ से निकली ये वाली, और ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इधर निकल गई वापस, ये होती है पल्मोनरी वेन्स, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये मिट्रल वॉल। देखिए बच्चों यहाँ पे हार्ट के अंदर चार वॉल्स होते हैं, यहाँ पे आ गए, है ना, हार्ट के अंदर चार वॉल्स होते हैं, एक तो मिट्रल वॉल, आयोटिक वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल। आप साथ साथ में ये चीज़ें लिख भी सकते हैं ताकि समझ में आए, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँगा, लेकिन आप वीडियो को स्लो करके या फिर फास्ट करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यूट्यूब तो ये फीचर देता ही है। वॉल्स के अंदर होता है मिट्रल वॉल, आयोटिक वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल। ये जो मिट्रल वॉल होता है बच्चों, ये मिट्रल वॉल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल, इसको हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो कस्पिड होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। मिट्रल वॉल के बाद आता है आयोटिक वॉल, आयोटिक वॉल यहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो मिट्रल वॉल है, मिट्रल वॉल के बाद यहाँ से देखो नीचे एलवी आ गया, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल जो अपना ब्लड आएगा, देखो ब्लड इधर आएगा पहले एट्रियम में, फिर इधर से अंदर आएगा, अंदर से आकर के फिर इसमें जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये है आओटा, आओटा हिंदी में महाधमनी, इस आओटा के अंदर ब्लड जाएगा और इसके अंदर भी वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम आयोटिक वॉल, यहाँ मैंने लिख रखा है नाम आयोटिक वॉल। आयोटिक वॉल के बाद आता है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, किसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल। इसके अंदर तीन कस्पिड होते हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। सो लास्ट आता है अपना पल्मोनिक वॉल या पल्मोनरी वॉल, ये पल्मोनिक वॉल होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है पल्मोनिक वॉल यहाँ प्रेजेंट होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल होता है, ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो यहाँ पे भी वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल का काम क्या होता है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। वैसे देखिए एनाटॉमी के अंदर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आप पूरे में देखिए मैंने जहाँ पे भी ये नोट्स लिखे हैं, इस नोट्स के अंदर ओनली फॉर उस ऑर्गन के बारे में या फिर उस पार्ट के बारे में लिख रखा है, उसके फंक्शंस के बारे में नहीं मेंशन किया है, है ना। एनाटॉमी के अंदर हम फंक्शंस के बारे में मेंशन नहीं करते हैं, हम पार्ट के बारे में मेंशन करते हैं। चलिए जब आप डायग्राम बना लोगे, जब आप पोजीशन के बारे में, जब आप इंट्रोडक्शन और थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, उसके बाद आपको लिखनी पड़ती है आर्टेरियल सप्लाई, यानी कि इस हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो हार्ट को सप्लाई करती है राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो अराइज होती है असेंडिंग आओटा से, असेंडिंग आओटा से अराइज होने वाली होती है राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट को सप्लाई करती हैं। चलिए आगे हम आर्टेरियल सप्लाई के बाद बात करते हैं विनस ड्रेनेज की। विनस ड्रेनेज की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ ब्लड होता है वो ड्रेन हो जाता है राइट एट्रियम से कोरोनरी साइनस के थ्रू, कोरोनरी साइनस के थ्रू मोस्ट ऑफ जो ब्लड है वो ड्रेन हो जाता है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस यहाँ यहाँ होता है। मैं आपको यहाँ सारा कुछ इस डायग्राम में बता नहीं सक रहा, बट आप गूगल पे या फिर कहीं पे भी करके कोरोनरी साइनस का डायग्राम देख सकते हो। चलिए फिर आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज के बाद आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की बात करें तो हार्ट के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों नर्व सप्लाई करती है, और ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स होती है ये कार्डियक फ्लेक्सिस का पार्ट होती है। कार्डियक प्लेक्सिस क्या होता है, प्लेक्सिस क्या होता है, देखो कार्डियक का मींस तो हार्ट, प्लेक्सिस का मींस होता है गुच्छा, गुच्छा या फिर जाल या फिर ग्रुप, है ना, गुच्छा या जाल या फिर ग्रुप। ये जो कार्डियक में प्रेजेंट होता है, कार्डियक में जो नर्व्स का गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, उसको हम बोल देते हैं कार्डियक प्लेक्सिस, और ये कार्डियक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है बिलो द आर्क ऑफ आओटा। जो ये आर्क ऑफ आओटा है उसके नीचे जो यहाँ आओटा का आर्क बनता है, ये आप अगली क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा, थोड़े से का आओटा बताऊंगा तब, आर्क ऑफ आओटा के नीचे जो बनता है वो होता है कार्डियक प्लेक्सिस।
चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि हम एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम के बाद आपको ऑर्गन की पोजीशन लिखनी पड़ती है, पोजीशन के बाद आपको इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आर्टेरियल, नर्व और वीनस सप्लाई। ठीक है, ये सब होने के बाद अगर आप इतना लिख देते हो तो फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं, फुल ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे नंबर नहीं कट जाए, ये कोई कंटेंट कम तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। इससे ज़्यादा आप कंटेंट लिखते हो तो फिर वही है कि आपका पेपर छूट जाएगा। इतना कंटेंट एनफ है नंबर लाने के लिए और इतना कंटेंट एनफ है नॉलेज के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमसे जितने कितने वीडियोज़ बन सकते हैं, हमसे जितने अच्छे वीडियोज़ बन सकते हैं हम उतने वीडियोज़ बनाएं। इसलिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप क्वेरी कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।